दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बारिश के बाद जसप्रीत बुमराह ने मात्र एक घंटे के भीतर चटकाए 5 विकेट। बांग्लादेश को 155 रन पर ही किया ढेर, पर बैटिंग में उतरते ही केवल 30 रन पर गवा दिया। टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट तब रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर बचाई भारत की लाज। जड़िया शतक देकर ऐसी बल्लेबाजी कोहली गिल को भी आ गई शर्म। तो दोस्तों, आखिर भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट बारिश के बाद जो मुकाबला खेला गया आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपको ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक यहाँ पर सुपर ओवर्स ने अपना जलवा दिखाया और मैदान को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद आखिरकार मैच को तीसरे दिन जारी किया गया। वही दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। और दोस्तों, यहां पर पहले बल्लेबाजी के लिए जब बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम उतरी थी, तो दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले दिन का मैच समाप्त होने तक 3 विकेट गवाकर 107 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहां पर बांग्लादेश के लिए जाकिर हसन ने यहां 0 रन बनाए, तो वहीं शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हो गए और नजमुल हुसैन शांटो ने 31 रन की पारी खेली थी। अब दोस्तों, मोमिनुल हक जो कि 40 रन से आगे खेलना शुरू करते हैं आज तीसरे दिन, तो वहीं मुशफिकुर रहीम 6 रन से। तो ऐसे में अब इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए बड़े स्कोर को जोड़ने का। हालांकि हर किसी को यही लग रहा था कि गेंदबाजों को इस गीले मैदान में अब क्या ही मदद मिलेगी। बांग्लादेश की टीम अब हो सकता है कि भारत के आगे 300-400 रन का स्कोर खड़ा कर दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अपना वो कातिलाना प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहां पर 42 रन बनाकर मोमिनुल हक पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम को कैसे भी करके यहां से 200 रन के करीब लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, मोमिनुल हक को अपने जाल में जसप्रीत बुमराह ने फंसा लिया, जहाँ अंदर आती हुई लेंथ गेंद को वो बाहर की तरफ खेलने के लिए चले गए और 42 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, यहाँ पहला ये बड़ा झटका लग जाने के बाद बांग्लादेश की पूरी टीम बिखरती हुई नजर आई। यहाँ पर दोस्तों, मानो ऐसी पारी कोलैप्स हुई कि कप्तान रोहित शर्मा भी एक बार के लिए हंस बैठे कि आखिरकार ये बांग्लादेशी कर क्या रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मोमिनुल हक के रूप में पहला बड़ा झटका आज तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम को लगा, तो मिशफिकुर रहीम भी 6 रन की पारी अपनी यहीं समाप्त कर बैठे और यहां उनको आकाशदीप ने अपने जाल में फंसाकर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया। अब दोस्तों, ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद अब बांग्लादेश की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। अब यहां शाकिब अल हसन और लिटन दास जैसे तैसे करके कोशिश कर रहे थे स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने पारी के 43वें ओवर में ही बांग्लादेश के ये दोनों विकेट भी चटका दिए थे। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने पहली पूरी तरह से सेटअप शाकिब अल हसन को किया और वो 11 रन बनाकर खेल ही रहे थे, तभी अंदर आती हुई गेंद को वो भाप नहीं पाया और इस इतनी सटीक यॉर्कर लेंथ पर वो बोल्ड आउट हो गए, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम का ये 6ठा विकेट गिर गया। तो वहीं दोस्तों, शाकिब अल हसन के आउट होने के बाद फिर लिटन दास अपने आप को संभाल नहीं पाया और दोस्तों सामने कोई बल्लेबाज उनका साथ निभा नहीं पा रहा था, तो अकेले बल्लेबाज वैसे भी क्या करता है। यहां पर लिटन दास ने अपना कैच विराट कोहली के हाथों में थमा दिया और 13 रन की पारी उनकी भी यहीं समाप्त हुई। और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने अभी तीसरे दिन तक बस 26 रन बनाए थे और दोस्तों यहां बांग्लादेश की टीम ने 5 बड़े विकेट अपना गवा चुकी थी। अब दोस्तों, यहां से बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की यही कोशिश थी कि जल्दी से इनका निपटारा करा दिया जाए। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम मौजूद थे, जो कि जसप्रीत बुमराह से वैसे ही कांपते हैं। जसप्रीत बुमराह ने इनका विकेट 17 रन पर गिराया। तो वहीं दोस्तों, तेजुल इस्लाम भी कुछ ज्यादा खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2 रन बनाकर वो भी आउट हुए, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम का स्कोर अभी तक बस मात्र 152 रन तक पहुंच पाया था और विकेट 9 गिर चुके थे। अब यहां हसन महमूद और खालिद अहमद मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन दोस्तों ये हसन महमूद के रूप में बांग्लादेश की टीम को एक 10वां बड़ा झटका लगा, जो कि मात्र 3 रन बनाकर ही आउट हो गए और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के खिलाफ मात्र 155 रन पर ही अपने घुटने टेक चुकी थी। अब दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे के भीतर बांग्लादेश की टीम ने अपने 7 बड़े विकेट गवा दिए, वो उस मैदान पर जहां बारिश हुई थी और गेंदबाजों को इतना कुछ खास अच्छी मदद भी नहीं थी। और दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की। अब यहां भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था 155 रन के पार टीम इंडिया को लेकर जाने का। अब दोस्तों, डाउट तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी था कि आखिर यह पिच बिहेव कैसे कर रही है, क्योंकि दोस्तों अगर बांग्लादेश के इतनी जल्दी विकेट गिरे हैं तो जरूरी नहीं है कि भारतीय टीम भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी।
और दोस्तों अब रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने पहले 5 ओवर तो अपने यकीन नहीं करेंगे ऐसे बिताए पूरा पिच का मिजाज देखने के लिए कि मात्र 5 रन ही बने। अब दोस्तों यहां से न जाने रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को ऐसा क्या कहा, उसके बाद पूरा मैच पलट गया। जी हां दोस्तों, यहां पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां अभी तक ओवर में 1 रन भी नहीं आ रहा था, अब हर ओवर में 5 से 6 रन दोनों बल्लेबाज मिलकर निकाल रहे थे। अब दोस्तों इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही थी तो दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की टीम का घबराना तो बनता ही था। और यहां बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने अब अचानक से ओवर थमा दिया शाकिब अल हसन के हाथों में। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि शाकिब अल हसन बहुत ही जल्द टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। और दोस्तों अब यहां से वो अपना ओवर जब करवाने के लिए उतरे तो इस दौरान उन्होंने आते से ही पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को फंसा लिया और 31 रन की पारी यशस्वी जायसवाल की यहीं समाप्त हुई। क्योंकि दोस्तों यहाँ यशस्वी जायसवाल बाहर जाती हुई गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप पर खेल बैठे और दोस्तों पीछे खड़े नजमुल हुसैन शांतो ने यह शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया। यह पहला विकेट जैसे गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल उतरे, लेकिन दोस्तों यहां गिल और रोहित शर्मा साझेदारी आगे बढ़ा पाते। उससे पहले शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका भी लग गया और यहां शुभमन गिल ऑफ स्टंप लाइन की गेंद पर LBW आउट हो गए। और दोस्तों यहां पर थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन भी गया, लेकिन DRS में पाया गया कि शुभमन गिल आउट है और 11 रन की पारी उनकी भी यहीं समाप्त हो गई। अब दोस्तों दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर आए, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा की वजह से विराट कोहली रन आउट हो गए, जहां विराट कोहली काफी भड़कते हुए भी नजर आए और मात्र 17 रन बनाकर विराट कोहली का विकेट गिरा। और दोस्तों ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पर भी दबाव बन चुका था, क्योंकि दोस्तों स्कोर अभी तक भारतीय टीम का मात्र 70 रन के करीब पहुंचा था और 3 बड़े विकेट टीम इंडिया ने गवा दिए थे। और कहां एक समय पर लग रहा था कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक बल्लेबाजी में जहां रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाकर रखा है, उन्होंने अकेले ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धुनाई करते हुए अपना शानदार अर्धशतक जड़ा और अकेले ही बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए यमराज बनते नजर आए। वो 55 रन की पारी खेलकर मैदान पर टिके हुए थे, हालांकि अब उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत थी जो दूसरी तरफ चट्टान की तरह डट जाए, तो ऐसे में तो उनका साथ ऋषभ पंत ने भी बखूबी निभाया है। और अब इन दोनों बल्लेबाजों से ही सबको ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं कि मैच को पलटने का काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर गरज रहा है। पंत ने भी आते ही खतरनाक चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को दिखाने शुरू कर दिए थे। और आप तो जानते ही हैं कि यदि एक बार रोहित और पंत ने अपना मूड बदला तब तो इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील करके रख देंगे और कब टीम इंडिया 100 रनों से 200-300 रन पार कर जाएगी पता नहीं चलेगा। ये दोनों अकेले बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ाना जानते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी यहां पर तीसरे दिन के मुकाबले में देख भी सकते हो, जहां भारतीय टीम ने अभी तक 133 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जहां मैच समाप्त हुआ तब तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को इन दोनों ने दिन में तारे दिखा दिए थे। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बारे में और आप टीम इंडिया रोहित पंत की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बारिश के चलते तीसरे दिन का खेल शुरू होने में भी हो चुकी है देरी, तो क्या अब तीसरे दिन का खेल भी कर दिया जाएगा रद्द? कितने बजे से शुरू होगा अब ये कांटे का खेल? कितने ओवरों की जाएगी कटौती? क्या है नया टाइम? DLS मेथड के चलते क्या है एम्पायर्स इंस्पेक्शन के बाद? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाए, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चेन्नई के मैदान पर 280 रनों से धूल चटने वाली बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कानपुर के मैदान पर भी अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, हालांकि पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्दी रद्द कर दिया गया था। बड़ी बड़ी बातें करने वाली बांग्लादेश तो टीम इंडिया के सामने 3 दिन में नहीं टिक पाई, जहां तीसरे दिन गिल और पंत ने अपने बल्ले से शतक जड़कर बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जे उड़ा दी, तो 515 रनों को डिफेंड करते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा सितम सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया बांग्लादेश का बैटिंग क्रम। तो आखिर कैसे 3 दिनों में टीम इंडिया ने गाड़ दिया जीत का झंडा? गिल और पंत की विस्फोटक बैटिंग के बाद बुमराह और अश्विन की खौफनाक गेंदबाजी। इस रोमांचक टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी भारत के प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन ही टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे।
तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेल कर रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं।